मैंने करीब 6 महीने के बाद सूरत के शहर में एक रूम लिया। आखिर क्यों मुझे छोड़ना पड़ा रूम, क्या है सच्चाई, वीडियो को अंत तक देखे और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। गाइस, मैं निकल आया रूम के अंदर से और सब्जी लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। पता है यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें है ना अभी यहाँ से निकाल रहे हैं रूम से। सोसाइटी देख रहे हैं ये वाला, कितना बड़ा मकान है, यानी कि ये ना सरकार ने बनाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और सबने अपने अपने यहाँ पे बिल भराया है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 6 लाख तक सबको मकान मिला है। तो हमको भी एक मकान मालिक ने बोला तुम यहाँ रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उनके बच्चे समझ के हमको रख लिया विश्वास करके। लेकिन यहाँ की जो सोसाइटी वाले हैं ना, पूरी फैमिली वाले, उनका एक विरोध है कि तुम फैमिली के साथ यहाँ रह सकते हो, अकेले नहीं रह सकते हो, मतलब बैचलर के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। लेकिन हमने उनको विश्वास दिलाया यार, हम थोड़ी यहाँ कुछ कांड करने आए हैं या किसी से लड़ने आए झगड़ने आए, हम बस हमारा काम करने के लिए नहीं आए और रात बसेरा करने के लिए हम इसमें रुकेंगे। बाकी दिन में तो हम ड्यूटी करेंगे, दिन में तो आने का चांस ही नहीं है, नाइट में सोएंगे खाना खाएंगे, बस इतना सहारा देने के लिए हम इसमें रुके हुए थे। लेकिन यहाँ रहने का हमारा कोई चांस नहीं है, निकलते हैं खाना खा लेते हैं, यहाँ लास्ट डे है तो मैं बाहर से सब्जी लेके आता हूँ। मतलब इतना दिमाग ख़राब था ना, सब्जी भी नहीं बनाई क्योंकि मिर्ची मसाला कुछ भी नहीं, क्यों रखने से भी कोई मतलब नहीं है। इतना रुपए का सामान लाए रखा, इतना व्यवस्था किया, सब फेल हो गया और जो सपना देखा था ना वो तो गाइस बिल्कुल टूट गया। तो मैं जाता हूँ हमारी रेंज रोवर से सब्जी लेने के लिए और दोस्त के साथ में खाते हैं हम खाना। और ये बिल्डिंग थी, ये देख लो आप, मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा अभी चल के। पहले मैं सब्जी ले आता हूँ, कम से कम यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर दूर, इसके बाद तो चलो मैं सब्जी लेके आता हूँ। यहाँ का यही क्राउड है कि यहाँ पे थोड़ी सी रोड है, उधर एक बड़ी सोसाइटी है और सामने सोसाइटी है और उधर भी बिल्डिंग बन रही है बहुत सारी। तो यहाँ पे बहुत रईस लोग रहते हैं, तो उनकी सोच ऐसी है कि हम कुछ आतंकवादी तो नहीं है, जैसे कि कोई कांड कर देंगे, ये सब सोचते नहीं है कांड करने के यार, किसी की भी बहन बेटी हमारी बहन बेटी के बराबर समझते हैं। इसके बाद भी यहाँ की लेडी से विरोध कर रही है और बार बार कंप्लेंट कर रही है कि तुम जल्दी करो। तो 28 तारीख का हमें वक्त दिया है, आज 24 तारीख है, 2 दिन में क्या उखाड़ लेंगे, इससे अच्छा आज ही खाली कर देते हैं, कभी सामान रखे रहेगा, हालांकि हमारे यहाँ पर कभी ज़रूरत पड़ेगी कुछ सामान की तो लेने के लिए आ जाएंगे, बाकी भटकेंगे अब जैसे 6 महीने से भटक रहे थे वैसे अब और भटकेंगे। बड़ा सुकून मिला था लेकिन गाइस यार इसके अंदर आते आते कि चलो हाँ यार अपना भी एक मकान है, तो सुख से सो जाते हैं, मम्मी पापा से बात करते हैं तो बता देते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन अब वो भी हमसे छीन लिया अधिकार, अब क्या हमने बिगाड़ा था इन लोगों का ये भी समझ में नहीं आता। पूछते हैं तो बताते नहीं, ये बोलते हैं बस तुम्हें खाली करना पड़ेगा या फिर कोई फैमिली लेके आओ, तो यहाँ हमारी कौन फैमिली है, कोई नहीं है। चलो खैर टाइम वेस्ट ही है सब बातों में, खाली कर देंगे जो ऐसा उनको अच्छा लगेगा वैसे देख लेंगे। मैं लेके आता हूँ अभी सब्जी और मिलता हूँ आपको बाद, तब तक के लिए बाय बाय।